Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rudy College, University of Allahabad. It is my email ID, and today's lecture is in continuation with the previous lecture of mine, that is the difference between hardware and software approach to educational technology. When we study the basic concept of educational technology, there is the first thing which we have to study is the approaches towards educational technology or approaches of educational technology, in which we have to learn three approaches: hardware approach, software approach, and system approach. So today is the turn of system approach. The lecture will be in bilingual mode, and it is an important topic for all. Okay, so let's start. First of all, system. सिस्टम को हम हिंदी में जानते हैं निकाय के नाम से, और हम इसको कई अर्थों में, मतलब कई विषयों में पढ़ते हैं, आई मीन सभी विषयों में पढ़ते हैं. आई थिंक जनरली बायोलॉजी में हम डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरीके से सिस्टम पढ़ते हैं. मतलब रुधिर तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र. तो तंत्र का क्या मतलब कि बहुत सारे कुछ ऐसे अंग हैं जो मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, और वो उनमें स्ट्रक्चर है, उनमें स्पेसिफिसिटी है, उनमें होलनेस है. ये सारी खासियत सिस्टम की होती है. तो दी etymological meaning of the term system is the combination of such things which are controlled and operated by a continually running interaction or mutually dependent processes. Agar hum iske shabdik arth pe jaye to system kya hota hai ki sorry कॉम्बिनेशन होता है थिंग्स का, जो कि नियंत्रित किए जाते हैं और ऑपरेट संचालित किए जाते हैं बाय कंटिन्यूअली रनिंग इंटरेक्शन और म्यूचुअली डिपेंडेंट प्रोसेसेस. यानी कि वो प्रक्रियाएं जो एक दूसरे पर प्रभावित करती हैं, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, उस तरीके से ये नियंत्रित होता है. और क्या है सिस्टम? इट इज एन एक्सटेंसिव प्रोसेस दैट इंक्लूड्स मैनी कॉन्सेप्ट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर. मीन्स सिस्टम का अर्थ है कि एक तरीके की एक्सटेंसिव प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनमें सिस्टमैटिक पन होता है, सिस्टमैटिक आदत होती है, उनके सिस्टमैटिक तरीका होता है. और अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करें तो दैट इज ए मेथडोलॉजी एंड ए होल. ये एक प्रक्रिया है, एक क्रियाविधि है, और उसमें संपूर्णता है, विच इज ए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. बहुत सारे तत्व हैं जिनका हमने एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया, उनका विन्यास व्यवस्थित है, एंड इन विच दीज एलिमेंट्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. और इसमें जो तत्व होते हैं वो आपस में एक दूसरे से सहसंबंधित होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं. बेसिकली इट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स वर्किंग इन ए स्पेसिफिक मैनर. मतलब कि हम मूल रूप से क्या कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है वो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है उन तत्वों का, जो कि एक स्पेसिफिक या विशिष्ट कार्य करते हैं, विशिष्ट तरीके से करते हैं. द सिस्टम रिफर्स टू होलनेस, इंटर रिलेशनशिप एमंग पार्ट्स और एलिमेंट्स एंड सेल्फ रेगुलेशन. और सिस्टम का अर्थ क्या है कि उनमें संपूर्णता हो, सहसंबंध हो उनमें एक दूसरे में, जो उनके तत्व हैं, जो उनके एलिमेंट्स हैं, जो उनके भाग हैं, और स्वनियंत्रित होता है, सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम. ओके, और क्या है सिस्टम? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, वेबस्टर्स डिक्शनरी इसको डिफाइन करती है कि अ रेगुलरली इंटरैक्टिंग और इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ आइटम्स फॉर्मिंग अ यूनिफाइड होल. वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से जो सिस्टम है वो एक रेगुलरली इंटरैक्टिंग, मतलब उसमें रोज अंतःक्रिया होती है, एक दूसरे से वो इंडिपेंडेंट है और इंटरडिपेंडेंट भी है, और वो एक यूनिफाइड होल बनाता है. और क्या है? अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड और इंटरैक्टिंग सो एज टू फॉर्म अ यूनिटी. मतलब यूनिटी यहाँ पे खास है. और क्या है? एन ऑर्गेनाइज्ड और एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर. एक ऐसी तरीका है जो एस्टैब्लिश्ड है, व्यवस्थित है, सुनियोजित है, और हमको पता है कि इस तरीके से ही होना है. एकॉफ कैसे डिफाइन करता है सिस्टम को? अ सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स. सबसे खास बात कि वो सहसंबंधित भी है, यानी कि एक दूसरे पर वो में संबंध है और एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं वो तत्व. दस अ सिस्टम में बी डिफाइंड एज एन एंटिटी that consists of interrelated and interdependent components and works towards the attainment of certain functions. देखिए, interrelated भी है, interdependent भी है उसके तत्व, और उनको कुछ कार्य संपादित करना है, और उनका पूरा लक्ष्य ऊर्जा किस तरफ लगी हुई है कि वो कार्य संपादित हो जाए. In the words of Johnson, अगर Johnson के शब्दों में हम इसको देखें तो सिस्टम क्या है? It is an organized complex whole, an assemblage or combination of things or parts forming together a complex unitary whole. यानी कि ये संगठन है, हम कुछ चीजों को पास लाए हैं, हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, और वो इस तरीके से आपस में क्रिया करते हैं कि कुछ यूनिफाइड होल बनाते हैं, कुछ सर्टेन फंक्शंस को अटेन करते हैं. और क्या है? ऑल्पर्ट कैसे कहते हैं कि सिस्टम इज एन ऑब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू सम एक्टिविटी एंड एस्टैब्लिशेस अ टाइप ऑफ इंटीग्रेशन एंड यूनिटी इन दैट एक्टिविटी. यानी कि वो जो क्रिया होगी उसमें एकीकरण होगा, उसमें एकता होगी.
ओके, यानी अलग अलग नहीं सारे कॉम्पोनेंट्स काम कर रहे हैं, सब कॉम्पोनेंट्स इस तरह से काम कर रहे हैं कि वो काम पूरा हो जाए जिस काम के लिए वो एक साथ इकट्ठा हुए हैं। ओके, अगर हम बेसिक एलिमेंट्स की बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम देखिए, सिस्टम यहाँ पे आपका वो कंप्यूटर सिस्टम भी है कि हमने इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यही इसका खास है, यही इसकी बेसिक है, यही इसका फंडामेंटल है कि हम कुछ डालेंगे रॉ मटेरियल, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करेंगे और फिर हमको कुछ आउटपुट निकलेगा। तो हमने क्या किया, हम तो बोरो कर लेते हैं ना एजुकेशन में से बहुत सारे टर्म्स इधर से उधर से कॉन्सेप्ट्स। तो हमने क्या किया, इनपुट यहाँ पे क्या हो गया, छात्र हो गया, प्रोसेसिंग क्या हो गई, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गया, और आउटपुट क्या हो गया, छात्र में डिजायरेबल बिहेवियरल चेंज इन दी स्टूडेंट। यही तो आउटपुट हमको चाहिए कि जो हम वांछित तो उसके व्यवहार में परिवर्तन, वांछनीय परिवर्तन कर पाए। लेकिन अब चूंकि एजुकेशन क्या है, तो क्लोज सिस्टम तो है नहीं, तो ओपन सिस्टम है, इसलिए इन्वायरमेंट भी इसमें आ गया कि इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट करेगा, फीडबैक कैसे मिलेगा, इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे, फॉलोअप कैसे करेंगे। ठीक है, बेसिक ये है। तो इनपुट क्या है, बाय इनपुट इज मेंट दैट रॉ मटेरियल और थिंग्स व्हिच आर यूज्ड इन अ सिस्टम इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर अ थिंग। हमने जो रॉ मटेरियल डाला, जो कच्चा माल हमने डाला है जिससे कि हम कुछ बनाना चाहते हैं, तो कच्चा माल यहाँ क्या हो गया, स्टूडेंट का एंट्री बिहेवियर हो गया। इट इज व्हाट इज पुट इनटू अ सिस्टम, इनपुट रिफर्स टू द बिहेवियर और एबिलिटीज व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग टीचिंग इन एन एजुकेशनल सिस्टम। क्लियर। प्रोसेस क्या है, अ प्रोसेस कंप्राइजेस ऑफ ऑल दैट बाय व्हिच द रॉ मटेरियल यूज्ड एज इनपुट इज चेंज्ड इनटू द विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। यानी कि प्रक्रिया क्या है कि रॉ मटेरियल पे जो प्रक्रिया चलाई जाए जिससे कि जो इनपुट है वो आउटपुट में चेंज हो जाए, वही प्रोसेस है। इनपुट इज चेंज इनटू आउटपुट बाय प्रोसेस। इट रिफर्स टू व्हाट गोज ऑन इन द सिस्टम। सिस्टम में चल क्या रहा है वो सब क्या है, प्रोसेसिंग। प्रोसेस रिफर्स टू सच एक्टिविटीज व्हिच हेल्प इन चेंजिंग द इनपुट और अवेलेबल बिहेवियर। और आउटपुट क्या है, जो हमको मिल के आया, जो हमें मिला, जो एंड प्रोडक्ट मिला, जो टर्मिनल बिहेवियर मिला। द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इनपुट बाय ए प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। हमने इनपुट को प्रोसेसिंग के बाद जो बना दिया वही आउटपुट है, वही प्रोडक्ट है। आउटपुट रिफर्स टू द बिहेवियर फॉर व्हिच द एंटायर सिस्टम वाज क्रिएटेड। आउटपुट ही वो चीज है, वो तत्व है जो हम चाहते हैं और जिसके लिए सिस्टम बनाया गया है। और एनवायरमेंट, बाय एनवायरमेंट इज मेंट द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच अ सिस्टम फंक्शंस। जो सिस्टम है जब आप पढ़ेंगे तो सिस्टम मेनली दो प्रकार के होते हैं, क्लोज्ड और ओपन। तो जो क्लोज्ड होता है वो तो बस इनपुट प्रोसेस आउटपुट है, उसमें बाहर का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता जी। लेकिन जो ओपन सिस्टम होता है वो इंटरैक्शन करता रहता है, उसकी बाउंड्री परमिएबल होती है आदान प्रदान के लिए। तो ये जो हमारा एजुकेशन, जो स्कूल, जो ओपन सिस्टम है, इसलिए इसमें एनवायरमेंट का रोल है। एनवायरमेंट वो कंटेक्स्ट है जिसमें सिस्टम काम करता है, रिफर्स टू सच एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट व्हिच इफेक्ट द सिस्टम, और ये सिस्टम को प्रभावित भी करता है। आप जानते हैं सिस्टम अप्रोच के बारे में, हार्डवेयर अप्रोच हो गया, सॉफ्टवेयर अप्रोच हो गया, आज सिस्टम अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच क्या था, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यानी कि जो वो जो कंप्यूटर की बॉडी। और सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या था, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी कि प्रोग्राम लर्निंग मटीरियल, यानी कि वो सॉफ्टवेयर, यानी कि वो तकनीकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जिससे कि हमको डिजायर्ड आउटकम मिलेगा। तो सिस्टम अप्रोच तीसरी अप्रोच एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की है। इट इज एन एक्टिव प्लानिंग कंसेप्ट टेकन फ्रॉम इंजीनियरिंग साइंस एंड ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए, हमने कंसेप्ट इंजीनियरिंग से लिया, साइंस से लिया और कम्युनिकेशन सिस्टम से लिया है, और हमने इसको बोरो किया है एजुकेशन में। हिस्टोरिकली डेवलप ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये विकसित हुआ एंड यूज इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। और ये इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी और मैनेजमेंट में यूज होता था। फाइनली अराइव इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टू, और शिक्षा में भी आ गया। दिस अप्रोच इज ऑल्सो सॉरी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। यानी कि शैक्षिक प्रशासन और मैनेज प्रबंधन में इसकी विशेष भूमिका है, और उसमें एक साइंटिफिक स्टडी की तरह से यूज किया जाता है। इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच। हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से जोड़ने का ये काम करता है, कड़ी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में सिस्टम अप्रोच। द सिस्टम अप्रोच इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू कोऑर्डिनेट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रॉब्लम टुवर्ड्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि प्रॉब्लम है हमारे पास और भटके हुए हम, कहां प्रॉब्लम है, हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे। तो प्रॉब्लम के सारे एस्पेक्ट्स को कोऑर्डिनेट करके हमको ऑब्जेक्टिव्स के अटेनमेंट में हेल्प करती है सिस्टम अप्रोच। बाय यूजिंग दिस अप्रोच एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इफेक्टिव, मॉडरेट, लेस एक्सपेंसिव एंड एसेंशियल। यानी कि अगर हम सिस्टम अप्रोच को फॉलो करते हैं तो हमारा ये शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्रबंधन, शिक्षक, शैक्षिक तंत्र, ये सब हमको इफेक्टिव जान पड़ता है, हमको कम खर्चीला होता है और हमको आवश्यक तरीके से ये हल हो जाता है। दिस सिस्टम अप्रोच हैज गिवन बर्थ टू सच अ मेथड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ व्हिच इज टू थिंक नॉट इन स्मॉल पार्ट्स बट एज ए होल। हम बार बार पढ़ रहे हैं ना कि सिस्टम क्या है, यूनिटरी है, यूनाइटेड है, यूनिटी है, होलनेस है, यानी कि
सिस्टम अप्रोच का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो हमको ये कहता है, सिखाता है कि आप हिस्सों में, टुकड़ों में मत सोचिए, बस पूर्णता की तरफ से सोचिए, एकीकृत होकर काम करिए तो समस्या जल्दी सॉल्व हो जाएगी। दिस अप्रोच प्रेजेंट्स अ डिटेल्ड एंड इफेक्टिव पिक्चर ऑफ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। इट इज अ स्ट्रेटजी टू मैनेज, कंट्रोल एंड इंप्रूव द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एजुकेशन। प्रोसेस क्या है? टीचिंग लर्निंग। प्रोडक्ट क्या है? स्टूडेंट। तो सिस्टम अप्रोच का काम क्या है एजुकेशन में? कि मैनेज करे, कंट्रोल करे और इम्प्रूव करे, किसको? प्रोसेस को और प्रोडक्ट को। ठीक है, सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन, हम लोग कम बार चल रहे हैं, सिस्टम, बेसिक एलिमेंट ऑफ सिस्टम, सिस्टम अप्रोच, अब सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन। तो अगर हम कुल श्रेष्ठ के शब्दों में देखें तो सिस्टम अप्रोच इज अ कॉन्सेप्ट और एजुकेशनल टूल। इसको जल्दी से पढ़ जाते हैं, कॉन्सेप्ट हमने ज्यादा मैटर इसलिए लिया है कि आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिखना हो तो उसमें भी आपको काम आएगा। सिस्टम अप्रोच इज अ कॉन्सेप्ट और एजुकेशनल टूल विच मेक्स एजुकेशनल फंक्शंस और चैलेंजेस मोर सक्सेसफुल, इंटीग्रेटेड, रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिबल, लॉजिकल, सिस्टमेटिक, ऑटोमेटिक एंड फ्लेक्सिबल। इतना कुछ। और लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज किया जाता है, एनालाइज ईच एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस को हम एनालाइज करते हैं, प्री डिटरमाइंड हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होता है जिसका कि हम इवेल्युएशन करते हैं, एंड देन द एनालाइज्ड एलिमेंट्स आर सिंथेसाइज्ड इन ऑर्डर टू अचीव इंटीग्रेशन। तो सब कुछ इसमें आ गया, इसलिए बाकी की डेफिनेशन आपके पढ़ने के लिए, उसको आप पढ़िए और समझिए, कोई विशेष ऐसी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं सिस्टम अप्रोच पे, जब लॉन्ग क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल में आता है तो आपसे पूछता है कि डिस्कस दिस स्टेप्स इन सिस्टम अप्रोच, इसलिए बहुत खास है। सबसे पहला क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हमको अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का संगठन करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा कि एक्चुअली हम चाहते क्यों हैं, चाहते क्या हैं, क्यों हम जा रहे हैं सिस्टम अप्रोच में। फिर क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ इवेल्युएशन प्रोसीजर। फिर हम ये तय करेंगे कि हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, फॉर्मेटिव होगा, असेसमेंट होगा, सॉरी समेटिव होगा, डायग्नोस्टिक होगा, रिमीडियल होगा, व्हाटसोएवर। फिर आइडेंटिफाइंग इनपुट स्पेसिफिकेशंस। इनपुट कौन सा छात्र है, किस कक्षा का है, कौन सी चीज आप पढ़ाने जा रहे हैं, क्या आप चेंज चाहते हैं उसमें, ये आपका इनपुट स्पेसिफिकेशन हो गया। फिर डिटरमाइनिंग डिजाइनिंग दी प्रोसेस अल्टरनेटिव्स। जो प्रोसेस है, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आप कौन सी इख्तियार करने जा रहे हैं, उसमें कौन से चेंजेस लाएंगे, कौन सा आप बैकअप में रखेंगे कि अगर ये काम नहीं करेगा तो दूसरा कौन सा काम करेगा। तो आप डिजाइन करेंगे आपके प्रोसेस अल्टरनेटिव्स और सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। फिर आप चुनेंगे बेस्ट कि हाँ ये वाला अगर हमने इस पे लगाया तो हमको बेस्ट आउटपुट मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे? प्लानिंग फॉर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। फिर ट्राई आउट। कोई भी हम काम करने चलते हैं तो आपको हमेशा पता हो फर्स्ट ट्राई आउट, सेकंड ट्राई आउट, थर्ड ट्राई आउट, ऐसे कई ट्राई आउट करते हैं। ट्राई आउट करेंगे तो हमको एक्चुअली पता चलेगा कि कहाँ पे कमी है, कहाँ अच्छाई है। और फिर हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। अगर हमको कोई कमी दिखाई देती है, कहीं कोई गलती है, तो हम रिवाइज करेंगे सारे स्टेप्स और लास्ट में हमको क्या मिल जाएगा? आउटपुट। तो ये खास है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर एडवांटेजेस। अगर हम ऐसा करते हैं तो फायदा क्या होता है? बहुत सारे फायदे हैं। जैसे इट प्रोवाइड्स ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन विच टू बिल्ड प्लान्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग चेंज इन एजुकेशन। ये हमको एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाता है जिससे बनाने में मतलब प्रोवाइड करता है हमको, जिसपे कि हम आधारित योजना बना सकते हैं। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द सूटेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द रिसोर्स मटीरियल टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। वो कह रहा है ना कि स्पेसिफिक चुनिए, फिर वो कह रहा है बेस्ट चुनिए। तो हम ढूंढते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं कि कौन सी चीज हम अगर अपनाएंगे तो हमको बेस्ट आउटपुट मिलेगा, जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू असेस द रिसोर्सेज नीड्स, द रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज इन रिलेशन टू क्वांटिटीज, टाइम एंड अदर फैक्टर्स। टेक्नोलॉजी एडवांसेस कुड बी यूज्ड। हम टेक्नोलॉजी को भी यूज कर रहे हैं कि हम मशीन को ले रहे हैं, मीडिया को ले रहे हैं, मल्टी मीडिया अप्रोच। हम भाई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं ना इसको, तो हमको मशीन मीडिया का भी यूटिलाइजेशन करना है। एंड पीपल फॉर अटेनिंग अ डेफिनेट गोल। इट परमिट्स एन ऑर्डरली इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स डेमोंस्ट्रेटेड टू बी रिक्वायर्ड फॉर सिस्टम सक्सेस इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। सब कुछ हो किस ले रहा है? कि हमको बढ़िया आउटपुट मिले। आउटपुट क्या है? स्टूडेंट का अचीवमेंट। तो सब कुछ स्टूडेंट की लर्निंग के लिए इतनी एक्सरसाइज हो रही है। और रिजिडिटी इन द प्लान ऑफ एक्शन इज अवॉइडेड। ये रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि वो ट्राई आउट कर रहा है, वो रिवीजन कर रहा है, यानी कि इसमें चेंजेस परमिटेबल हैं, पॉसिबल हैं। तो हमको कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करने से हमको क्या मिलता है? डिजायर्ड बेनिफिशियल चेंज कैन बी मेड, टू बी मेड। ओके, अगर हम इसकी रेलेवेंस देखें, क्या रेलेवेंस है टीचिंग लर्निंग में सिस्टम अप्रोच की, तो कॉफमैन हमको बताते हैं कि सिस्टम अप्रोच को हम दो शब्दों में बांट सकते हैं। क्या? एनालिसिस और सिंथेसिस।
यानी कि संश्लेषण, विश्लेषण और संश्लेषण। तो एनालिसिस क्या है? एनालिसिस रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट पार्ट्स, हमको ढूंढना है कंपोनेंट पार्ट्स एंड डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप्स अमंग दोस पार्ट्स, और वो जो भाग है उनके बीच का सहसंबंध सुनिश्चित करना है एंड द होल सिस्टम। और सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स द डिजाइन ऑफ ए रॉ सिस्टम सो दैट द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। पहले हमने एनालाइज कर लिया कि कौन से कॉम्पोनेंट पार्ट है, कैसे क्या क्या हमको लेके चलना है, और सिंथेसिस में हमने उसको जोड़ दिया जिससे कि हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। Educationists define the system approach as an approach that aims at finding the most efficient and economically cost-effective method for solving educational problems scientifically. इस एक लाइन में आपका पूरा सिस्टम अप्रोच हो गया। क्या कि हमको क्या हमारा उद्देश्य है कि हम मोस्ट एफिशियंट एंड इकोनॉमिकली कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ढूंढ पाए जिससे कि शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से समाधान हो सके। द सिस्टम अप्रोच प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर ऑल द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स और द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सिस्टम अप्रोच इज अ रैशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ एनालाइजिंग द एजुकेशनल प्रोसेस एंड मेकिंग इट मोर इफेक्टिव। सिस्टम अप्रोच इन इंस्ट्रक्शन इज एन इंटीग्रेटेड प्रोग्रामड कॉम्प्लेक्स of instructional media, hardware and personnel whose components are structured as a single unit with a schedule of time and sequential phasing. यानी कि हम हार्डवेयर को लाए, मीडिया लाए और हमने उसमें बेस्ट एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड से हम एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को साइंटिफिकली सॉल्व करना चाहते हैं। तो लास्ट में क्या कहा जाएगा कि सिस्टम अप्रोच इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू कोऑर्डिनेट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रॉब्लम टुवर्ड्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमारे विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जितने भी हमारे पास समस्या के पक्ष थे उनको हमने कोऑर्डिनेट किया है जिससे कि हम उसका समाधान पा सकें। इन एजुकेशन दिस मीन्स प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड यूज ऑफ ऑल अवेलेबल लर्निंग रिसोर्सेज टू अचीव द डिजायर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आई थिंक कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट पूरा होता है, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ओके, थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। ओके, डन फ्रॉम माई साइड।